वेरी अनफॉर्चुनेट और मेरा इरादा यही था कि कानून के मुताबिक करूँ टू द रूल्स मैं चीज़ों को आगे चलाऊँ। और एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है, लेकिन आपने देखा, आप सब मीडिया वाले बैठे हुए थे, पूरी मीडिया, दुनिया की मीडिया देख रही थी, लोकल मीडिया देख रहा था कि जो अनफॉर्चुनेट एक वाक्या हुआ है, उन्होंने जो हरकत की है, वो समझ रहे हैं वो मेरे मोराल को डाउन करेंगे, मेरे मोराल को डाउन नहीं करेंगे। आई विल गो थ्रू द प्रोसेस, इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूंगा और आज ही इंशाल्लाह हम करेंगे। जो हम कानूनी कार्रवाई जो कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह, कानून जो कानून के मुताबिक चीज़ें होंगी इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। डायरेक्ट किया था आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कि आज इलेक्शन शफाफ कराया जाए। पीटीआई के 15 अरकान ने पोडियम पे चढ़ के डिप्टी स्पीकर को मारा है और इजलास आगे नहीं चल सका। ये अफसोसनाक है। मेरी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि वो इसका नोटिस लें और अभी आईजी चीफ सेक्रेटरी को तलब किया जाए, क्योंकि इस तरह ये खून खराबा चाहते हैं। ये कोई बंदा यहाँ मरेगा। इजलास के अंदर परवेज़ इलाही साहब मुस्करा रहे थे, पर्चा परवेज़ इलाही साहब पे हो।